भगवान श्री कृष्ण की एक इस लीला में एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है और वो अगर नहीं कहेंगे तो इस कथा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, उसको ध्यान रख लेना। जो इन सात लोगों का आदर नहीं करता वो जीते जी मुर्दा है, जीते जी। वो सात लोग कौन कौन से हैं जिनका सम्मान ना करने से जीते जी मुर्दा कहलाता है? कहते मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साधीम सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम चा कल्पो विवच्छन्मृता। जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, दो मातरम पितरम वृद्धम, और वृद्धम माने घर के अंदर जो और बुजुर्ग है, माता पिता का भी माता पिता। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साधीम, और सतपथ चलने वाली सहज सरल जो पत्नी हो जो उसका सम्मान नहीं करते, पत्नी का भी रिस्पेक्ट करना सिखाया गया है। भगवान राम जी ने सीता जी की भी वंदना की है कि वंदे विदेहि तनुजा पद पुंडरीकम कैशोर सौरव समा कृति योग चित्तम हंतुम त्रिताप मनिषम मुनि हंस सेव्यम शनमान साले परपीत पराग पुंजम। इसलिए मातरम पितरम वृद्धम, माता पिता घर के बड़े बुजुर्ग और साध्वी पत्नी, शतम शिशुम छोटा बच्चा जो खुद चल ना पाता हो, खुद पानी ना पी पाता हो, आप अपनी मस्ती में अपने सीरियल को देखने में इतने मग्न ना हो जाएं कि बच्चे को आप समय पर दूध न पिलाएं, उसकी टेक केयर ना करें, आपको उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साधीम सुतम शिशुम, कौन सा सुत बोले जो शिशु है छोटा, और कहा गुरुम विप्रम प्रपन्नम चा, आठ लोग जो गुरु का ध्यान नहीं करते, गुरु का ख्याल नहीं करते, और विप्रमानी ब्राह्मण, गुरुम विप्रम प्रपन्नम चा, और जो आपकी शरणागति आ गया, जो आपके शरण में आया, जो इन आठ लोगों का ध्यान नहीं करते, कल्पो बिभ्रत श्वसन मृता, श्वसन मानी श्वास लेते हुए भी, जिंदा होते हुए भी वो मुर्दे के समान है। ये श्रीमद् भागवत की शिक्षा है।